के अंदर इंसर्शन एंड डिलीशन एक काफी कॉस्टली प्रोसेस है. सो मैंने इसे कॉस्टली पैसों की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, कॉस्टली इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है, मान लो अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ मेरी ये एरे है सपोज, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 10, 20, 30, 40 और एक स्लॉट खाली है. मेरे को अगर मैं तुमसे बोलूं कि स्टार्टिंग में मेरे को एलिमेंट को फर्स्ट पोजीशन पे मेरे को एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट करना है, तो बेसिक लॉजिक क्या होगा तुम्हें? तुम्हें ये एलिमेंट उठा के यहाँ पे शिफ्ट करना डाल पड़ेगा, देंगे ये एलिमेंट उठा के यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, ये एलिमेंट उठा के यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, ये एलिमेंट उठा के यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा. तो एन तुम्हें बेसिकली मूव्स करनी पड़ेगी, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, फिर जो स्लॉट खाली होगा यहाँ पे तुम उस एलिमेंट को इंसर्ट करोगे. तो काफी कॉस्टली प्रोसेस है. सिमिलरली अगर तुम्हें मान लो एलिमेंट ये डिलीट करना होता, अगर तुम्हें एलिमेंट डिलीट करना होता है फर्स्ट वाला, तुम्हें क्या करना पड़ता? मान लो ये है 10, 20, 30, 40, 50 और अगर तुम्हें फर्स्ट एलिमेंट डिलीट करना पड़ता तो तुम्हें इसको उठा के यहाँ पे कॉपी करना पड़ता, इस एलिमेंट को यहाँ पे कॉपी करना पड़ता, इसको यहाँ पे कॉपी करना पड़ता, इसको यहाँ पे कॉपी करना पड़ता और लास्ट में तुम जीरो इंसर्ट कर दे, तुम्हारा ये ऑटोमेटिकली हट जाता. तो तुम्हें मूव्स बहुत करनी पड़ती. ठीक है, तो एरे इसलिए बेसिकली लिंक लिस्ट है. लिंक लिस्ट में आपका बिगनिंग में और एंड में इंसर्शन डिलीशन बहुत ईजी होता है. तो आज हम यही करेंगे, एरेज के ऑपरेशंस को इंप्लीमेंट करेंगे, विल सी द लॉजिक्स कैसे कैसे करेंगे. ठीक है, चलो अब मैं तुम्हें बताना स्टार्ट करता हूँ हम बेसिकली करेंगे क्या क्या. यार एक बार ये इरेज हो जाए बस. ओके, सर फिफ्थ इज योर सर्च. अभी मैं तुम्हें थोड़ा सा प्रोटोटाइप बता देता हूँ कि मैं क्या क्या इंप्लीमेंट करूंगा. देखो इंसर्ट फंक्शन में मैं क्या चाहता हूँ, इंसर्ट फंक्शन जब मैं इंप्लीमेंट करूंगा तो बेसिकली उसका प्रोटोटाइप ये होगा. फंक्शन का नाम जो होगा, मान लो मैंने लिख दिया इंसर्ट अंडरस्कोर एरे, इसके अंदर मैं मेरी एरे पास करूंगा, एरे का बेस एड्रेस. तो उसको स्टोर करने के लिए मेरे को पॉइंटर चाहिएगा, इंटीजर की एरे तो इंट का पॉइंटर. दूसरी मेरे को चाहिए पोजीशन की, मैं कौन सी पोजीशन पे इंसर्ट करूं तो वो भी इंटीजर होगा, और कौन सा नंबर इंसर्ट करना है. ठीक है, तो ये बेसिकली मैं प्रोटोटाइप इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं. मैं एरे को पास करूंगा कौन सी पोजीशन पे वो नंबर इंसर्ट करना. डिलीट में क्या होना चाहिए, सारे का सबका प्रोटोटाइप जो है, सबका जो रिटर्न टाइप है वो वॉइड है, ये बताना यानी जरा रिवर्स के बाद क्या लिख रखा है कौन सी अच्छा पोजीशन पे डिलीट करना है पॉइंटर तो मेरे को सबसे पहले आपकी एरे की। पास करनी पड़ेगी कौन सी पोजीशन पे, कौन सी पोजीशन को डिलीट करना है. कौन सा ठीक है, नंबर एक सेकंड गाइस, मैं एक मिनट, एक मिनट कोई कॉल आ रहा है, मैं पॉज म्यूट कर रहा हूँ, वन सेकंड. अरे यार, ठीक है, तो डिलीट का भी हो गया. प्रोटोटाइप क्या होगा कि कौन सी पोजीशन वाला एलिमेंट मेरे को डिलीट करना है, तो मैं सिंपल डिलीट वाले फंक्शन में मैंने फंक्शन बनाऊंगा डिलीट. अब देखो तुम डिलीट नाम से फंक्शन नहीं बना सकते क्योंकि डिलीट खुद एक कीवर्ड होता है. ठीक है, सी प्लस प्लस में आईओ स्ट्रीम में डिलीट एंड न्यू दोनों कीवर्ड होते हैं, इसलिए मैंने लिखा डिलीट अंडरस्कोर एरे. तो मैं एरे को पास करूंगा और कौन सी पोजीशन को डिलीट करना है वो मैं बस ये पास कर दूंगा.
डिस्प्ले में क्या करना पड़ेगा मेरे को, डिस्प्ले में क्या पास करूंगा, कौन सी प्रिंट करना है मेरे को, सिंपली एक एरे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। रिवर्स करना है तो रिवर्स में भी कुछ नहीं चाहिए मेरे को, सिंपल एक एरे चाहिए जिसको मैं रिवर्स करूंगा। और सर्च के लिए मेरे को क्या चाहिए, जो मेरे को सर्च के लिए मेरे को बेसिकली अगर मैं सर्च फंक्शन इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ तो मेरे को बेसिकली मेरी एरे को पास करना पड़ेगा और जिस नंबर को मेरे को सर्च करना है वो नंबर मैं पास करूंगा। तो ये सारे के सारे प्रोटोटाइप्स हैं, हम इन सारे के सारे फंक्शंस को इंप्लीमेंट करके देखेंगे क्या करेंगे। तो अभी मैं मानता हूं कि मान लो मेरी जो है एरे वो एम्प्टी है, 5 एलिमेंट की एरे है, ठीक है, और अभी जो है मेरी ये सारे की सारी एम्प्टी है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन, ये फर्स्ट पोजीशन मान रहा हूं मैं, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, इंडेक्स की बात नहीं कर रहा, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट इंसर्ट करूंगा, सेकंड पे करूंगा, थर्ड पे करूंगा, फोर्थ पे करूंगा और फिफ्थ पे मैं एलिमेंट को इंसर्ट करूंगा, ठीक है। अब हम इसका लॉजिक देखने वाले हैं कि हम एलिमेंट को इंसर्ट कैसे करेंगे, फिर हम देखेंगे डिलीट कैसे करेंगे और ट्रेवर्स कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं इंसर्ट फंक्शन 5 बार कॉल करता हूँ, मैं 5 वैल्यूज इंसर्ट करा के तुम्हें बताता हूँ वैल्यूज कैसे इंसर्ट होगी, और गाइस ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है। और ऊपर मैंने एक मैक्रो भी डिफाइन कर रखा है, ठीक है, जिसकी साइज मैंने 5 दे रखी है कि मैं एरे के अंदर मैक्सिमम जो एलिमेंट हो सकते हैं हैश डिफाइन मैक्स वो 5 हो सकते हैं, ठीक है, ये मान लो मैंने प्रोग्राम के अंदर दे रखे है। तो अभी हम इंसर्ट करने जा रहे हैं, हम 5 एलिमेंट को इंसर्ट करके दिखाऊंगा। तो मैं वही लिख रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, इंसर्ट करूंगा एरे के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे मैं 10 एलिमेंट को इंसर्ट करूंगा, मतलब नंबर 10 को। फिर दोबारा इंसर्ट फंक्शन कॉल करूंगा, एरे की सेकंड पोजीशन पे 20 इंसर्ट करूंगा। फिर से इंसर्ट फंक्शन कॉल करूंगा, एरे की थर्ड पोजीशन पे 20 इंसर्ट करूंगा। फिर से इंसर्ट फंक्शन कॉल करूंगा, एरे की फोर्थ पोजीशन पे 30 मान लो, ये 40 इंसर्ट करूंगा। और फिर से मैं एक बार फिर इंसर्ट फंक्शन कॉल करूंगा और फिफ्थ पोजीशन पे मैं वैल्यू इंसर्ट करूंगा 50। हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। ये मान लो मैंने मेन पे, मैं इंडेक्स की बात नहीं कर रहा, मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ये बोल रहा हूँ, फर्स्ट पोजीशन ये हो गई, सेकंड पोजीशन ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये। अदरवाइज प्रॉब्लम ही होती है जब कोड कोई कंपाइल करता है, लिखता है इंसर्ट एट द फर्स्ट पोजीशन, तो वो बेसिकली सोचता है ये तो जीरोथ है तो फर्स्ट तो ये होगी। तो मैं उस सबको हटाना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ फर्स्ट पोजीशन मतलब फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन, फोर्थ ये, फिफ्थ पोजीशन, यहाँ पे मेरे को एलिमेंट्स को इंसर्ट करना है। वो तो कोड अपने अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा स्लाइड चेंज भी कर सकते हो। पेन होगा, एक मिनट बेटा, एक LOR साइन कर दो। ओके, ठीक है, तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मान लो एरे का बेस एड्रेस 100 से स्टार्ट है, ये 104 हो गया, ये 108, ये 112, ये 116। मैंने एरे का बेस एड्रेस पास किया, ठीक है, वो इस पॉइंटर में स्टोर हो गया। ये जब फंक्शन कॉल होगा, ये आपका पॉइंटर होगा, तो इसकी प्रोटोटाइप क्या होगी, प्रोटोटाइप होगी void insert, प्रोटोटाइप नहीं, इंप्लीमेंटेशन, अंडरस्कोर एरे। मैंने पूरी एरे पास करी, ये पास किया मैंने, ए स्टोर हो गया मेरा int star arr में, मान लो ये पॉइंटर मैंने लिया। फिर ये 1 वाली वैल्यू है, ये आपकी पोजीशन है, तो मैंने एक वेरिएबल लिया int position, और ये नंबर है जो मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने लिया एक int number, ठीक है। अब तुम्हें पता है जब आप इंसर्ट करते हो तो आप करते क्या हो, आप हर एरे को राइट एंड एलिमेंट्स को राइट एंड साइड में शिफ्ट करते जाओगे। कहने का मतलब है ये एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और आपके लिए इसके लिए बेसिकली स्पेस क्रिएट हो जाएगा, और इसको मैं शिफ्ट करके यहाँ पे कर दूंगा, ये खाली हो जाएगा। तो बेसिकली मैं शिफ्टिंग कर रहा हूँ, ये अभी ब्लैंक का जो मैं पता नहीं लग रहा होगा, जब धीरे धीरे इसके अंदर एलिमेंट हम इंसर्ट करेंगे उसके बाद हम देखेंगे कैसे हो रहा है। तो मैं शिफ्ट करना चाहता हूँ एलिमेंट राइट हैंड साइड में, और मैंने तुम्हें बताया था कि मान लो मेरी एरे है ये, हमने यहाँ पे देखा था, अच्छा वो हट गया, कोई बात नहीं।
तो मैं एलिमेंट शिफ्ट करूंगा राइट हैंड साइड में, तो मैं लॉजिक क्या लगा रहा हूँ, मान लो मैंने लिया और एक पोजिशन है, यहाँ पे पोजिशन की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो मान लो मैंने एक वेरिएबल लिया इंट आई, ठीक है, और ये बताओ अगर मेरी 5 साइज की एलिमेंट है तो कहां तक मैं इंसर्ट कर सकता हूँ, मैं 4 तक इंसर्ट कर सकता हूँ, यस सर, ठीक है, मैं लूप लगाई फॉर आई इज इक्वल टू मैक्स माइनस 1, तो मेरी आई की वैल्यू हो गई 4, फिर आई ग्रेटर देन इक्वल टू पोजिशन, ठीक है, मैं उस पोजिशन तक गया और फिर मैंने आई को कर दिया डिक्रीमेंट और फिर लूप मैंने चलाई, तो मेरे को राइट हैंड साइड में जो मेरा एक्सट्रीम लेफ्ट का एलिमेंट है उसको मेरे को शिफ्ट करते जाना है, एक एक शिफ्ट करते जाना है, तो मैंने लिखा ए आर ऑफ ए ऑफ ए आर आर ऑफ आई इज इक्वल टू ए आर आर ऑफ आई माइनस 1, ठीक है, तो अब देखो ये लूप अभी हो क्या रही है, मैं साथ साथ एरे भी बनाता जाऊंगा, ठीक है, और उसके बाद जब कंडीशन फॉल्स होगी लूप के बाहर आऊंगा तो मैं उस पोजीशन पे ए आर आर की जब वैल्यू होगी तब तक चलेगा जब तक कि उसको पोजीशन नहीं मिल जाती, उसकी पोजीशन पे जाके मैं इंसर्ट कर दूंगा नंबर को, तो ये लॉजिक हो गया इंसर्ट का। अब देखते हैं कैसे काम कर रहा है, मैंने 5-6 फंक्शन कॉल किए, तो हुआ क्या, मान लो ये मेरी एरे है, ठीक है, साइज मैंने इसकी 5 डिफाइन कर रखी है, 2, 3, 4, 5, ये 100 है, ये 104 108 112 116, मैंने ए पास किया, ये मेरी ए वाली एरे थी, एड्रेस आके स्टोर हो गया ए आर आर के अंदर, तो मेरा ए आर आर जो है वो यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है, अब लूप चली, आई की वैल्यू हो गई आई इज इक्वल टू मैक्स माइनस 1, आई की वैल्यू हो गई 4, पोजीशन कौन सी, फर्स्ट पोजीशन पे यानी यहाँ पे इंसर्ट करना चाहता हूँ, मैं लिखा 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मेरी कंडीशन ट्रू हुई, कंडीशन ट्रू हुई तो क्या हुआ, ए ऑफ 4, ए मत मानना ए आर आर है बेसिकली, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ए ऑफ 4 इज इक्वल टू हो गया ए ऑफ 3, मतलब इस वाली पोजीशन पे ये वाला एलिमेंट इंसर्ट हो गया, ठीक है, खाली है, मैं अभी इसके लिए स्पेस क्रिएट करना चाहता हूँ, फर्स्ट के लिए आई की वैल्यू फिर डिक्रीज हुई, आई हो गया 3, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इस बार हुआ ए ऑफ 3 इज इक्वल टू हुआ ए ऑफ 2, तो ए ऑफ 3 इज इक्वल टू ए ऑफ 2, ये वाला एलिमेंट यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है, फिर आई की वैल्यू जो हुई 2, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू हुई, तो ए ऑफ 2 इज इक्वल टू ए ऑफ 1 हो गया, ये ए 1 वाला एलिमेंट सेकेंड पोजिशन पे चला गया, फिर उसके बाद i की वैल्यू हुई 1, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू हुई, तो a ऑफ 1 के अंदर आपने एलिमेंट इंसर्ट कर दिया a0, तो ये वाला एलिमेंट आपका यहाँ पे चला गया, ठीक है, अब मैं यहाँ पे इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो i की वैल्यू, फिर डिक्रीमेंट हुआ तो i की वैल्यू हो गई 0, तो ये 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई और आप लूप के बाहर आ गए, फिर ए आर आर 0 के अंदर आपने नम डाल दिया, यहाँ पे वैल्यू आपने डाल दी 10, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू डाल दी 10, पहले फंक्शन का काम पूरा हो गया, अब दूसरा फंक्शन कॉल होता है आई ए 2, 20, तो लॉजिक वही है पूरा सेम, ठीक है, बस मेरे को उस पोजीशन पे जाना है, ठीक है, वहां पे मेरे को आई की वैल्यू को इंसर्ट करना है, नम की वैल्यू को इंसर्ट करना है, तो मेरे को उस ब्लॉक तक जाना है, तो फिर दोबारा फंक्शन ये वाला कॉल हुआ, दोबारा ए आर आर यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, इस बार मैंने पोजिशन दी है 2 और एलिमेंट मेरे को इंसर्ट करना है 20, तो मेरे नम की वैल्यू कितनी हो गई 20 हो गई, पोजीशन मेरी हो गई 2 और मेरा पॉइंटर पॉइंट कर रहा है 100 पे, दोबारा चेक किया आई की वैल्यू 4 है, आई की वैल्यू 4 हुई, फिर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कंडीशन मेरी क्या होगी ट्रू हो गई, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू पोजीशन की वैल्यू कितनी है 2 है, तो फिर क्या हुआ ए आर आर ए ऑफ 4 इज इक्वल टू क्या हो गया ए ऑफ 3, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे चली गई, लूप फिर दोबारा चली, इसकी वैल्यू डिक्रीमेंट हो गई, वैल्यू हो गई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ए ऑफ 3 इज इक्वल टू हो गया ए ऑफ 2, यानी ए ऑफ 2 जो था ये यहाँ पे चला गया, ठीक है, फिर दोबारा आई की वैल्यू डिक्रीज हुई, आई हो गया 2, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो फिर ए ऑफ 2 इज इक्वल टू हो गया ए ऑफ 1, ये वाली वैल्यू यहाँ पे चलेगी,
ठीक है, अब जब दोबारा लूप चलेगी, आई की वैल्यू वन हो गई, वन ग्रेटर देन इक्वल टू टू कंडीशन हो गई फॉल्स, लूप के बाहर आ गया, आई की वैल्यू वन है तो ए ऑफ वन इज इक्वल टू नम, यहाँ पे वैल्यू मैंने डाल दी 20। फिर मैंने ये वाला फंक्शन कॉल किया, इस बार पोजिशन की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है, तो लूप दोबारा चली, मतलब इस फंक्शन के अंदर आ गए, ए आर आर यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, इस बार पोजिशन आपकी 3 है और नंबर जो मेरे को इंसर्ट करना वो नंबर है 30। दोबारा चल करके देख लेते हैं, तो इसकी वैल्यू हुई, पोजिशन की वैल्यू 3 हो गई, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू, तो क्या हुआ, ए आर ऑफ 4 इज इक्वल टू क्या हो गया, क्या हो गया, ए आर 3 इज इक्वल टू ए आर ऑफ 3, तो 3 वाली वैल्यू मैंने 4 को असाइन कर दी, आई की वैल्यू डिक्रीज हुई, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो गया, तो ए ऑफ 3 इज इक्वल टू हो गया ए ऑफ 2, ये वाली के अंदर ए ऑफ 2 आ गया, ठीक है। अब जब लूप दोबारा चली, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मेरी कंडीशन फॉल्स हो गई, मैं बाहर आ गया, अब मेरा 2 के अंदर वैल्यू कर दी, यहां पे वैल्यू आ गई 30। दोबारा चला, इस बार पोजीशन की वैल्यू हो गई 4, तो इस बार हुआ 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, कंडीशन क्या हुई, ट्रू, मैं नीचे आया तो क्या हुआ, ए आर ऑफ 4 के अंदर चली गई वैल्यू ए ऑफ 3 की, ठीक है, तो यहाँ पे चला गया ए ऑफ 3, लूपर गया, आई की वैल्यू डिक्रीज हुई, आई की वैल्यू हो गई 3 ग्रेटर देन 4, कंडीशन फॉल्स, बाहर आ गया, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू इंसर्ट कर दी ए आर ऑफ 3 पे, वैल्यू आ गई आपकी नम, नम की वैल्यू है 40, तो 40 आ गए। फिर ये फंक्शन फिर से कॉल हुआ, अब पोजिशन की वैल्यू 5 हो गई, तो 5 और ग्रेटर देन इक्वल टू 4, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, लूप के बाहर आया, ए ऑफ आई इज इक्वल टू नम, आई की वैल्यू 4 है तो ए ऑफ 4 इज इक्वल टू नम, यहाँ पे वैल्यू आ गई 50। तो मेरी ये एलिमेंट ऐसे मेरे इंसर्ट हो गया, मान लो एरे की साइज थी 6, एक और एलिमेंट की मैं स्पेस क्रिएट करता हूँ, ठीक है, अब मैंने दोबारा मान लो ये फंक्शन कॉल किया, ठीक है, तो यानी कि तुम्हें ये सारे एलिमेंट शिफ्ट होने पड़ेंगे, इसको यहाँ पे लाना पड़ेगा, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, हम वही चेक करते हैं, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई, बिकॉज मैंने साइज अब 6 कर दी, तो मैक्स की वैल्यू 6 हो गई, आई की वैल्यू हो गई 5, तो 5 ग्रेटर देन इक्वल टू कौन सी पोजिशन में वैल्यू इंसर्ट करनी है, फर्स्ट पोजिशन पे इंसर्ट करनी है, फर्स्ट पोजिशन पे इंसर्ट करनी है, यहाँ पे इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मेरे को सारे एलिमेंट को शिफ्ट करना पड़ेगा, तो मैंने वही किया, एरर ऑफ I की वैल्यू कितनी है, 6 माइनस 5, ए आर ऑफ 5 इज इक्वल टू ए आर ऑफ 4, यहाँ पे वैल्यू आ गई 50, I की वैल्यू डिक्रीज हुई, I कितना हो गया, I हो गया 4, फिर लूप चली, ए आर ऑफ 4 इज इक्वल टू ए आर ऑफ 3, यहाँ पे 40 आ गया, यहाँ पे 30 आ गया, यहाँ पे 20 आ गया, यहाँ पे 10 आ गया, और फिर कंडीशन फॉल्स हो गई, मैं लूप के बाहर आ गया, अब I की वैल्यू क्या है, 0, उस पर मैंने नम इंसर्ट कर दिया, नम की वैल्यू मेरी कितनी है, मान लो कुछ मैंने फंक्शन कॉल किया, तो मान लो एक फंक्शन कॉल करता हूँ 60, वो 60 यहाँ पे आ गया, इन सब को शिफ्ट करना पड़ गया, तो ये मेरा इंसर्ट फंक्शन है, एक बार नोट कर लो, कुछ नहीं, पोजीशन तक जाना है, जिस पोजीशन में मेरे को इंसर्ट करना वहां तक ही मेरे को लूप को चलानी है, ठीक है, उतने एलिमेंट ही शिफ्ट होंगे, जितनी पोजिशन तक है वो पोजिशन फिर खाली हो जाएगी, वहां पर जाके मैं नम की वैल्यू इंसर्ट कर दूंगा। अब हम सेकंड बनाते हैं डिलीट, मेरे को डिलीट करना है, पहले इसको नोट कर लो यार, तो मान लो आपकी एरे बन गई, ठीक है, एरे आपकी बनी, हमारे एलिमेंट आ गए 10, 20, 30, 40, 50, ये मेरी एरे बन गई 10, 20, 30, 40, 50, बेस एड्रेस 100 है, ये मेरा आपका ए है। अब मैं डिस्प्ले फंक्शन कॉल करता हूँ, डिस्प्ले फंक्शन में क्या है, मेरे को सिंपल एरे पास करनी है, तो मैं फंक्शन कैसे कॉल करूंगा, मैं बनाऊंगा डिस्प्ले, सिंपल मेरे को एरे को पास करना है और उसको स्टोर कराना काम है, एक पॉइंट में मैंने स्टोर करा दिया ए आर आर में, तो मेरा ए आर आर कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, 100 पे पॉइंट कर, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, इसमें कुछ भी नहीं करना, ये डिस्प्ले फंक्शन है, वॉइड डिस्प्ले, ये क्या करेगा, मैंने एक वेरिएबल लिया int i इज इक्वल टू 0, लूप लगाई फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन मैक्स कर देता हूँ, मैक्स की वैल्यू आपकी 5 है तो 0 से लेके 4 तक चलेगा, और i प्लस प्लस, फिर प्रिंट एफ परसेंटेज d स्लैश t कॉमा a ऑफ i,
या फिर ARR, ये ARR है, तो ARR ऑफ आई। देखो आई की वैल्यू जीरो है, आई की वैल्यू जीरो है, मैक्स की वैल्यू फाइव है, जीरो लेस देन फाइव कंडीशन ट्रू ही। सबसे पहले प्रिंट किया ARR जीरो, ARR यहाँ पे उसका जीरो सेगमेंट क्या है 10 प्रिंट हो गया 10, फिर आई की वैल्यू वन हो गई, वन लेस देन फाइव कंडीशन ट्रू, फिर 20 प्रिंट हो गई, 30 प्रिंट हो गया, 50, ऐसे पूरी की पूरी एरे प्रिंट हो जाएगी। सिंपल डिस्प्ले फंक्शन ये हो गया। अब मेरे को डिलीट करना है, तो हम डिलीट कैसे करेंगे, डिलीट, ठीक है, डिलीट के अंदर मैंने क्या प्रोटोटाइप लिखा था, void, मेरे को पूरी एरे पास करनी है, उसको स्टोर करने के लिए पॉइंटर, और जिस पोजीशन को डिलीट करना है वो पोजीशन, ठीक है, इस फंक्शन का नाम है void delete underscore array, तो इसको इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो इसमें मेरे को किस पोजीशन तक जाना है, मान लो मेरी एरे ये है, मैं यहाँ पे तीन एलिमेंट की एक एरे ले लेता हूँ एक्सप्लेन करने के लिए, 10, 20, 30, ठीक है, मान लो इसका एड्रेस 100 है, ये 104 है और ये 108 है। तो मान लो मैंने मेन के अंदर से पास किया आपका डिलीट अंडरस्कोर एरे फंक्शन कॉल किया, मैंने एरे पास करी और पोजिशन मान लो 2, ये 20 एलिमेंट को डिलीट करना है, सेकेंड पोजिशन वाला एलिमेंट मेरे को डिलीट करना है, तो यहाँ पे मेरा ARR जो है वो कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, 100 पे पॉइंट कर रहा है, और मेरी पोजिशन की वैल्यू कितनी है 2 है, मेरे को सेकेंड वाला एलिमेंट डिलीट करना है, पोजीशन ये इंटीजर है 2, तो क्या लॉजिक करना पड़ेगा मेरे को, क्या करना पड़ेगा अगर मेरे को इसको डिलीट करना है, तो इस एलिमेंट को बेसिकली उठा के मेरे को यहाँ पे कॉपी कर देना है, ठीक है, और यहाँ पे जीरो डाल देना है, वो डिलीट हो जाएगा। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। मैंने एक वेरिएबल लिया इंट आई, और मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने लूप चलाई, मैंने लिख दिया फॉर आई इज इक्वल टू पोजिशन, ठीक है, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, आई की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, और फिर मैंने लिखा i लेस देन मैक्स i प्लस प्लस। अब तुम्हें पता है i की वैल्यू कितनी है, i की वैल्यू है 2, i की वैल्यू है 2, तो फिर मैंने क्या किया ARR ऑफ इस वाली वैल्यू पे, यानी कि ये 1 वाली वैल्यू है, ये कौन सा एक्चुअल में देखा जाए तो कौन सा इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स है, तो ARR ऑफ i माइनस 1 पे मेरे को क्या वैल्यू चाहिए, क्या वैल्यू चाहिए उसके बाद वाली वैल्यू इक्वल टू ARR ऑफ आई, ठीक है। तो अभी देखो क्या हुआ, आई की वैल्यू 2 थी, 2 लेस देन 3 कंडीशन ट्रू हुआ, तो ए ऑफ बेसिकली आई की वैल्यू 2 है, ए ऑफ 1 इज इक्वल टू आ गया ए ऑफ 2, तो इस 20 में मेरी वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई, और जब मैं फिर i की वैल्यू जब 3 हुई इंक्रीमेंट हुआ 3 लेस देन 3 मेरी कंडीशन फॉल्स हो गई, मैं लूप के बाहर आ गया, लूप के बाहर आने के बाद मेरे को यहाँ पे वैल्यू क्या करनी है जीरो कर देनी है, तो मैं क्या करूंगा a ऑफ i इज इक्वल टू a ऑफ i हो गया, i की वैल्यू 3 हो गई, a ऑफ i माइनस 1, a ऑफ i माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो मेरी एरे क्या बन जाएगी, फिर मेरी एरे बन गई 10, 30 और 0, तो 20 वाला एलिमेंट डिलीट हो गया। अच्छा अब रिवर्स भी करते हैं, चलो एरे को रिवर्स करते हैं, रिवर्स कैसे करेंगे, मान लो मेरे पास एरे है ये, एलिमेंट्स हैं 10, 20, 30, 40, 50, मान लो एड्रेस 100 है, तो रिवर्स करते टाइम मेरे को सिंपल कुछ नहीं करना, मैं कौन सा फंक्शन कॉल करूंगा, रिवर्स फंक्शन कॉल किया, मेरे को सिंपली एरे को पास करना है, और जब मैं इंप्लीमेंट करूंगा तो void रिवर्स int star ARR, बस मेरे को एरे को रिवर्स है तो करना है, कुछ नहीं है। अब ये बताओ ये 104 हो गया, ये 108 है, ये 112 है, ये 116 है, ये बताओ यार मेरे को कितनी, क्या मैं पूरी की पूरी एरे को ट्रेवर्स करूंगा एंड तक, या मेरे को आधा ही ट्रेवर्स करना है। देखो यार मेरे को इस वाली पोजीशन पे कौन सी वैल्यू चाहिए, ये वाली वैल्यू चाहिए, इस वाली वैल्यू पे ये चाहिए, तो क्यों ना मैं एक काम करूं, सबसे पहला एलिमेंट मैं एक टेम्पररी वेरिएबल में डाल देता हूं, int temp, ठीक है, एक काम करते हैं, एक टेम्पररी वेरिएबल लिया int temp, एक लिया int i, मैंने लूप चलाई फॉर i इज इक्वल टू 0,
और मेरे को इसको चलाना है सिर्फ आई लेस देन मैक्स बाई टू तक, ठीक है, मैक्स बाई टू और आई प्लस प्लस। अब मैं लॉजिक क्या लगाऊंगा यहाँ पे, मैंने जो टेम्पररी वेरिएबल लिया है टेम्प, उसके अंदर मैं सिंपली स्टोर कर दूंगा ए ऑफ आई, तो टेम्प की वैल्यू मेरे को बताओ यहाँ पे क्या हो गया, टेम्प की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गया। अब मेरे को ये बताओ टेम्प की वैल्यू हो गई 10, अब मेरे को यहाँ पे कौन सी वैल्यू चाहिए, 50, क्या चाहिए 50 चाहिए, यानी मेरे को ए ऑफ आई वाली पे एक्चुअल में वैल्यू क्या चाहिए, सोचो मेरे को चाहिए ए ऑफ 4, ए ऑफ 4 चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, तो ए ऑफ 4 चाहिए, तो मेरे को ये बताओ जो ये ए ऑफ 4 है क्या ये मैक्स माइनस 1 नहीं है, ये मैक्स माइनस 1 नहीं, लेकिन तुम खुद सोचो गाइस, अभी मैं इसको इतना ही लिखता हूँ, अगर मैं बाद में मैं क्या करता हूँ, बाद में इसके बाद मैं क्या करूंगा कि a of max minus 1 अगर मैं लिखता हूं वहां पे मेरे को कौन सी वैल्यू चाहिए, टेम्प की वैल्यू चाहिए, yes, लेकिन इसमें देखो क्या इसमें फ्लॉ नहीं है, देखो अब पहली बार i की वैल्यू 0 है, 0 लेस देन मैक्स बाय 2, 0 लेस देन 5 बाय 2 कितना होता है 2 होता है, 0 लेस देन 2 कंडीशन ट्रू, मैं नीचे आया temp is equal to a of 0, a of 0 is equal to हो गया a of 4, बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, a of 4 is equal to temp, ये वैल्यू स्वैप हो रही, लेकिन जब सोचो लूप दोबारा चलते हैं, सर मैक्स तो सही में रहेगा, मैक्स चेंज नहीं होगा, एक सेकंड मैक्स चेंज नहीं होगा, दोबारा लूप चलती है, i की वैल्यू 1 हो गई, मैं देखो फर्स्ट टाइम जब चली तो कोई दिक्कत नहीं है, जब फर्स्ट टाइम चला i is equal to 0 तो 0 less than max by 2 तो आपका फिक्स रहेगा, 5 by 2 कितना रहेगा 2 रहेगा, ठीक है, तो टेम्प की जो वैल्यू है टेम्प की वैल्यू हो गई a of 0, यानी कि टेम्प की वैल्यू कितनी हो गई 10 हो गई, और a of 0 is equal to हो गया a of max की वैल्यू 5 थी, 5 minus 1 यानी a of 4, तो a of 4 की वैल्यू कितनी है 50, a 0 के अंदर 50 आ गया, कोई भी दिक्कत नहीं है, और फिर फाइनली मैंने क्या किया a of max minus 1 a of 4 के अंदर मैंने इंसर्ट कर दी वैल्यू टेम्प, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 10, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन जब सेकंड टाइम आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, अब आई की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, ये हुआ 1 लेस देन, कंडीशन क्या हुई ट्रू हुई, टेम्प इज इक्वल टू हो गया a ऑफ 1, टेम्प की वैल्यू कितनी हो गई 20 हो गई कि नहीं हो गई, अब फिर a ऑफ 1 इज इक्वल टू, फिर से तुम करोगे मैक्स माइनस 1 तो वो फिर से a ऑफ 4 ही तो आएगा, यस सर, तुम्हें तो अब इसको क्या करना है, तुम्हें तो इसको 3 लाना है, सर एक वेरिएबल में मैक्स डाल लेंगे फिर उसको माइनस माइनस, नहीं क्यों आप यार तुम सोचो ना, जब लूप चल रही है फर्स्ट में आई की वैल्यू 0 है, सेकंड लूप चल रही है तो आई की वैल्यू 1 है, तो मैं यहाँ पे माइनस आई क्यों ना कर दूं, यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है, बिकॉज आई की वैल्यू जब नेक्स्ट टाइम चलेगा तो आई की वैल्यू 1 हो गई, तो अब आई की वैल्यू जब 1 तो क्या हो गया a ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या हो गया a ऑफ 3, तो जब फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे 50 आ गया था यहाँ पे 10 आ गया था, ठीक है, सेकंड टाइम क्या कर रहे हैं, टेम्प के अंदर मैंने 20 स्टोर कर दिया, ए ऑफ 1 के अंदर मैंने ए ऑफ 3 कर दिया, यहाँ पे आ गया 40, अब ये ए ऑफ मैक्स माइनस 1 आई रिप्रेजेंट करता है, ए ऑफ 3 ही रिप्रेजेंट करता है, इसके अंदर वैल्यू मैंने टेम्प डाल दी और टेम्प की वैल्यू कितनी है 20 है, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 20, लूप दोबारा चली, ठीक है, आई की वैल्यू क्या हो गई 2, 2 less than 2 condition false loop के बाहर, because ये तो middle element है, ये तो change हो गया नहीं, तो वहीं के वहीं पे रहेगा, बोलो, yes sir, तो आपका reverse का program भी हो गया, yes sir, अब आपका कौन कौन से program हो गए, आपका insert हो गया, आपका delete हो गया, आपका reverse हो गया, और आपका display हो गया, एक search वाला program और बना लेते हैं, search करके देखते हैं, element search करना है, या एक काम करो पहले गाइस तुम इन फंक्शंस को नोट कर लो यार, मैं तुम्हें 5 मिनट दे रहा हूं, इंसर्ट फंक्शन को नोट कर लो, मैं बता देता हूं कहां से कहां तक है, ये इंसर्ट फंक्शन है, इसको नोट कर लो, ठीक है, मेरे को बता देना, नोट कर लिया, मैं एक तुम्हें एक एक मिनट दे रहा हूं हर फंक्शंस को लिखने के लिए, पहले इसको अपनी कॉपी में लिखो, you
लिख लिया? यस सर। ओके, इंसर्ट के बाद हम आ जाते हैं डिस्प्ले पे। ये डिस्प्ले वाला फंक्शन है तो इतना सही है, इस डिस्प्ले वाले फंक्शन को नोट करो। दिस इज फॉर डिस्प्ले। सर ये मैक्स हमें वो करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा या ऑटोमेटिक हैश डिफाइन मैक्स डिक्लेयर कर देना, ऊपर मैक्रो है, हैश डिफाइन मैक्स कोई भी साइज दे देना उसकी। ठीक है, फिर हम डिलीट फंक्शन पे आते हैं। ये डिलीट फंक्शन नोट कर लो। और यहाँ पे बाद में बाहर आके तुम्हें एक लाइन और लिखनी है, और वो लाइन है a ऑफ i माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। पहले ये आएगा और उसके बाद में ये आएगा। लिख लिया? अब इसके बाद रिवर्स वाला फंक्शन है, ये रिवर्स वाला फंक्शन भी नोट कर लो। रिवर्स, यार देखो गाइस कोड को रटना मत कभी भी, वरना बहुत दिक्कत होने वाली है। प्रैक्टिस करो, कोड करो, चीजें अपने आप हो जाएंगी, पर रटना मत, खुद से लॉजिक बनाओ। अब हम करते हैं सर्च, लीनियर सर्च, मतलब एक एक एलिमेंट को ट्रेवर्स करेंगे। कर लिया नोट? यस सर। यस सर। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट दिस सर्च फंक्शन। ठीक है, तो मान लो मेरी एरे है, मैं यहां पे लिख लेता हूं, मेरी एरे है ये 10, 20, 30, 40, 50, और मैंने मेन से सर्च फंक्शन को कॉल किया, मैंने एरे पास करी और जो नंबर सर्च करना है, मान लो नंबर है 20, वो मैंने पास किया। तो इसको इंप्लीमेंट करते हैं, लिखा void search, एरे पास किए, स्टोर करने के लिए पॉइंटर चाहिए int star arr, इस 20 को स्टोर करने के लिए कोई नंबर चाहिए int number, नम करके कर दिया, इसको इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो लॉजिक क्या होगा, मान लो अगर मेरे को कोई भी एलिमेंट सर्च करना है, मेरे को एक एक एलिमेंट पे जाना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा क्या वो एलिमेंट मेरे नंबर के बराबर है कि नहीं, बोलो सर। तो मैंने एक वेरिएबल लिया i, मैंने लूप चलाई फॉर i इज इक्वल टू जीरो, और कब तक चलानी है, जब तक कि एरे की जो लेंथ है लेस देन मैक्स, बिकॉज मैक्स की साइज मेरी 5 है, तो i लेस देन मैक्स और i प्लस प्लस। अब इस लूप के अंदर देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम चेक करते हैं कि इफ, अगर क्या पता फर्स्ट पोजीशन पे वो एलिमेंट मिल जाता है, अगर मैं कहता हूं इफ एरे ऑफ i इज इक्वल टू num, ठीक है, इफ एरे ऑफ i इज इक्वल टू num, तो मेरे को रिटर्न क्या करना है, मेरे को ये बताना है कि वो नंबर जो है कौन सी पोजिशन पे है, कौन सी पोजिशन पे है। तो मान लो इसके बाद मैं इफ के अंदर प्रिंट एफ लगा दूंगा, दैट प्रिंट एफ द एलिमेंट, जिस एलिमेंट को मैं सर्च करना चाहता हूं, द एलिमेंट, सपोज वो एलिमेंट यहां पे आ जाएगा, सपोज 20 है, द एलिमेंट 20 इज प्रेजेंट एट कौन सी पोजिशन, ये पोजिशन क्या आ जाएगा, परसेंटेज पोजिशन स्लैश एन, ये नंबर है, तो ये इसको प्रिंट कराने के लिए मैं यूज करूंगा नम, और ये जो है ये आपकी पोजीशन है, ठीक है, परसेंटेज डी, तो परसेंटेज डी ये कोई नंबर आएगा, तो मान लो अगर मैं 20 कहता हूं तो 20 कौन सी, यहां पे जब 20 पे आएगा तो मेरी आई की वैल्यू होगी, वो आई की वैल्यू क्या होगी, 1। तो अगर मैं ये सोचूं कि जो मेरा कम, जो मेरे को अगर मेरे को कोड दिया है किसी ने, अगर वो किसी नंबर को ले और रिटर्न मतलब दिखाएगा क्या प्रिंट है, तो वो उसको अगर ये बताता है कि दिस इज ऑन सेकेंड पोजिशन, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, आई प्लस वन, और अगर वो मेरा कोड जो है ये बता रहा है कि अगर कोई टेस्ट केसेस रन कर रहा हूं ये फर्स्ट पोजिशन पे है, तो मेरे को सिंपली आई लेना है, अगर ये बता रहा है
कि वो सेकेंड पोजिशन पे है तो मेरे को आई प्लस वन लेना है, ठीक है, और फिर रिटर्न हो जाना है, प्रोग्राम से बाहर आ जाना है अगर मेरे को वो मिल जाता है तो, ठीक है। और फिर, और अगर तुमने मान लो सब कुछ सर्च कर डाला, फॉर पूरा सर्च कर दिया, तुम्हें वो नंबर ही नहीं मिला, तो अगर इसका मतलब क्या है कि इफ आई की वैल्यू अगर मैक्स की वैल्यू तक पहुंच गई, आई की वैल्यू अगर कितनी हो गई, फाइव हो गई, फाइव का मतलब क्या कि तुम्हें वो एलिमेंट यहाँ पे मिला ही नहीं, बिकॉज ये एरे ऑफ फोर तक ही जा रहा है, फाइव पे तो ये कंडीशन ही फॉल्स हो गई, है कि नहीं। तो अगर आई इज इक्वल टू मैक्स तो क्या प्रिंट कराओगे, दैट द एलिमेंट परसेंटेज डी यानी कि 20 डू नॉट एग्जिस्ट इन एरे, और उस नंबर को यहाँ पे आ जाएगा द एलिमेंट 20 डू नॉट एग्जिस्ट, पर 20 एग्जिस्ट कर रहा है तो ऐसा होगा नहीं। पर अगर तुम मान लो कोई फंक्शन पास करते हो a कॉमा 45, तो i की वैल्यू 0 हुई, 0 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू, नंबर मिला नहीं, लूप i की वैल्यू फिर इंक्रीज हुई, i की वैल्यू 1 हुई, 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई, 4 तक उसको नंबर ही नहीं मिला, i की वैल्यू 5 हुई, 5 पे तो आपकी कंडीशन ही फॉल्स हो गई, लूप के बाहर आ गए, i की वैल्यू 5 है, 5 इज इक्वल टू 5, तो द एलिमेंट 45 डू नॉट एग्जिस्ट इन योर एरे। एक बार इसको भी नोट कर लो, फिर हम इन सबको कोड करेंगे। लिख लिया? यस सर। चलो अब इनकी कोडिंग देखते हैं, कुछ तो मैंने कहा तो इंप्लीमेंट ही किया है। ओके, तो देखो मैंने क्या किया, मैंने इंसर्ट डिलीट डिस्प्ले प्रोटोटाइप ऑलरेडी लिख रखा है, एक रिवर्स का भी लिख देता हूं, void reverse underscore array, and I gonna reverse the array. So what I need simply the address of the array in this. एक ही पैरामीटर चाहिए। Searching के लिए void search underscore array, ये मैंने बनाया, इसके अंदर मेरे को array भी pass करनी है और मेरे को एक integer भी चाहिए जिसको मेरे को search करना है, तो ये इसका prototype बन गया, ठीक है। मैंने insert function कॉल किए 5, उसने एलिमेंट्स को फिर मैंने डिस्प्ले कराया, फिर मैंने एलिमेंट डिलीट कराए, ठीक है। तो डिलीट और उसकी फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन में लिख चुका हूँ, एलिमेंट इंसर्ट करे डिलीट करे। इसके बाद मान लो कि मेरे को फिर से, मैं एक काम करता हूँ कि मैं फिर से एलिमेंट इंसर्ट करता हूँ, बिकॉज दो एलिमेंट मैं डिलीट कर चुका हूँ, तो एक काम करता हूँ इसके बाद मैं फिर से दो एलिमेंट और इंसर्ट करता हूँ। कौन सी पोजिशन पे एलिमेंट डिलीट किया मैंने, फिफ्थ एंड सेकेंड पे मैंने एलिमेंट डिलीट किए हैं, तो यानी मैं इंसर्ट जो करूंगा वो फिफ्थ एंड सेकेंड पोजिशन पे ही करूंगा। तो मैंने इंसर्ट फंक्शन कॉल किया, फिर से इंसर्ट एरे पास करी, सेकेंड पोजिशन पे मैंने एक एलिमेंट इंसर्ट कर दिया मान लो 35, फिर से इंसर्ट फंक्शन कॉल करूंगा, फिर से एरे पास करूंगा, और इस बार फिफ्थ, क्योंकि जो मैंने डिलीट किया है फिफ्थ एंड सेकेंड है, फिफ्थ वाली पोजिशन पे मैंने इंसर्ट कर दिया मान लो 65। मैं फिर से इस एरे को डिस्प्ले करा दूंगा दोबारा से, ओके सॉरी द फंक्शन नेम इज इंसर्ट अंडरस्कोर एरे, फंक्शन नेम इज इंसर्ट अंडरस्कोर एरे, ठीक है। मैं फिर से एरे के एलिमेंट्स को डिस्प्ले करा दूंगा, तो मैं ये कॉपी कर लेता हूं, ओके फाइन। इसके बाद मैं रिवर्स करता हूं, मेरी एरे को रिवर्स करते हैं, तो इसके बाद सिंपली रिवर्स अंडरस्कोर एरे, सिंपल एरे पास करूंगा। अब इस फंक्शन की कोडिंग करते हैं, तो मैं लिखा void insert underscore array, एक पॉइंटर लिया int star arr, बस यही चाहिए एरे को रिवर्स करने के लिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। दो वेरिएबल लिए, एक int i लिया, एक temp लिया, और लूप चलाई, i इज इक्वल टू क्या लू, i इज इक्वल टू जीरो,
कब तक चलाना है, i लेस देन मैक्स बाय टू, मैक्स बाय टू i प्लस प्लस, क्या करूं m के अंदर स्टोर कर देता हूं a ऑफ arr ऑफ i. एम आई ऑडिबल? यस सर. यस सर. m के अंदर स्टोर कर दिया arr ऑफ i, और फिर arr i के अंदर स्टोर्ड arr max minus, sorry max caps में है, max minus one minus i, और उसके बाद arr max minus one minus i के अंदर मैंने स्टोर कर दिया. वन सेकेंड यार, ये बार बार अंदर मैंने स्टोर कर दिया आपका टेम्प. इसका काम पूरा रिवर्स कर देगा वो ऑटोमेटिकली. क्या करना चाहिए मेरे को मेन के अंदर, रिवर्स अगर एरे हो गई है तो उसको प्रिंट भी करा देना चाहिए. ठीक है, तो रिवर्स होने के बाद मैं एरे को डिस्प्ले भी कर देता हूँ. ठीक है, फिर मैंने मान लो डिस्प्ले फंक्शन, ये इस फंक्शन के बाद प्रिंट करा दिया. ओके okay. ठीक है, तो मेरा एरे भी रिवर्स हो जाएगा, एलिमेंट्स उसके प्रिंट कर देंगे. अब सर्च वाला फंक्शन कॉल कर लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे सर्च अंडरस्कोर एरे क्या पास करूंगा, एरे करेंगे. और मान लो जो एलिमेंट सर्च करना है, मान लो एलिमेंट सर्च करना है 40, जो शायद मेरी उस एरे के अंदर है, सर्च करते हैं. और मान लो फिर से एक और बार सर्च फंक्शन लगा देते हैं, देखते हैं क्या होता है. अंडरस्कोर एरे, और वो एलिमेंट सर्च करते हैं, इस बार जो एरे के अंदर शायद एग्जिस्ट नहीं करता, 90 मेरे एरे के अंदर नहीं है. अंडरस्कोर एरे, सॉरी. ओके, तो चलो सर्च फंक्शन इंप्लीमेंट करते हैं. void search underscore array, कुछ नहीं करना, एक पॉइंटर लेना है जो एरे का एड्रेस स्टोर करेगा, और एक वेरिएबल लेना है num. ठीक है, आ जाओ इसके अंदर. एक वेरिएबल लिया int i, लूप चलाई फॉर i is equal to 0, i less than max, i plus plus, for के अंदर एंटर हुए, यहाँ पे लिखा if, if के अंदर चेक किया, if arr of i is equal to equal to, अगर नंबर है तो क्या करेगा, उसको प्रिंट करा देंगे. प्रिंट नंबर प्रोपोजिशन प्रिंट printf the element, the element percentage d is present at percentage d location या position slash n, उनको print करेंगे ये number number comma i plus one. और फिर रिटर्न करा देंगे अगर नंबर मिल गया, प्रोग्राम से बाहर आ गया, मेरा काम हो गया. अगर मान लो पूरा लूप सर्च किया वो नंबर ही नहीं मिलता, तो इफ आई इज इक्वल टू इक्वल टू मैक्स, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, दी एलिमेंट प्रिंट, दी एलिमेंट परसेंटेज डी डू नॉट एग्जिस्ट इन एरे, और यहां पे लिख लेते हैं नम. काम पूरा हुआ, और तो नहीं बाकी ना. ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं स्टार्टिंग से क्या किया है. इफ somebody wants to note it down, वो साथ साथ नोट भी कर ले अगर करना चाहता है तो.
एरे के बेसिक ऑपरेशंस हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए, इंसर्ट, डिलीट, डिस्प्ले, रिवर्स सर्च, ठीक है। पांच बार मैंने इंसर्ट फंक्शन किया, इंसर्ट हुआ एलिमेंट, मैंने प्रिंट कराया, फिर डिस्प्ले कराया, दो एलिमेंट डिलीट किए, फिर डिस्प्ले कराया, फिर दो एलिमेंट इंसर्ट किए, फिर मैंने यहाँ पे फिर से एलिमेंट्स को डिस्प्ले कराया, फिर मैंने एरे को रिवर्स किया, ठीक है। फिर सर्च कर रहा हूँ, ओके चलो देखते हैं क्या होता है। भी कंपाइल हो रहा है, अनडिफाइंड रेफरेंस टू रिवर्स अंडरस्कोर एरे, चेक करते हैं भाई रिवर्स अंडरस्कोर एरे में हमने क्या लिखा है। फंक्शन प्रोटोटाइप रिवर्स अंडरस्कोर एरे, एक ही पैरामीटर दिए, रिवर्स फंक्शन कहाँ पे, रिवर्स अंडरस्कोर एरे एक पैरामीटर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। रिवर्स अंडरस्कोर एरे फंक्शंस पे आओ, हमने रिवर्स अंडरस्कोर एरे इंप्लीमेंट ही नहीं करी है क्या अभी यार, हमने रिवर्स चाहिए रहा, ये क्या किए है, नहीं हमने रिवर्स फंक्शन अभी तक बनाया नहीं है सर, बनाया तो था यार, मैं वही सोच रहा हूँ बनाया तो था। सर्च, सर्च फंक्शन हो गया, इंसर्ट फंक्शन हो गया, डिलीट हो गया, डिस्प्ले हो गया, कमाल है यार, बना लेते दोबारा एक बार, दोबारा कर लेते, फंक्शन नहीं है, बनाया तो था यार, दोबारा प्रैक्टिस कर लेते हैं और कोई बात नहीं। रिवर्स अंडरस्कोर एरे, फंक्शन का नाम गलत है क्या, ठीक है, क्या पास करते हैं भाई फंक्शन के अंदर, इसके अंदर हमने एरे पास करी, एरर क्यों दे रहे हैं, रिवर्स अंडरस्कोर ठीक तो है, एक वेरिएबल लिया int i, एक ले लिया int temp, फॉर लूप चला दी, फॉर i इज इक्वल टू जीरो, i लेस देन मैक्स बाय टू, i प्लस प्लस, शिट i प्लस प्लस, और फिर मैंने लिखा temp इज इक्वल टू एरे ऑफ i, फिर एरे ऑफ i इज इक्वल टू arr max माइनस वन माइनस i, फिर arr max माइनस वन माइनस i इज इक्वल टू M. यही था, तो और कुछ नहीं करना मेरे ख्याल से, बस ठीक है, ओके सेव किया, कंपाइल किया, ओके चलो चेक करते हैं एक बार क्या रहा है। एलिमेंट्स ऑफ एरे, देखो मैंने पांच इंसर्ट फंक्शन को कॉल किया था, ठीक है, तो उसने पांच वैल्यूज प्रिंट कर दी, बोलो कोई डाउट, 10, 20, 30, 40, 50 आ गया। उसके बाद मैंने दो एलिमेंट डिलीट किए थे, एक तो मैंने सेकंड पोजीशन पे डिलीट किया था, एक फिफ्थ पोजीशन पे डिलीट किया था, तो जब सेकंड का डिलीट किया ये आगे शिफ्ट हो गया, ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है, तो 20 हट गया मेरा और 50 हट गया, बाकी जगह पे 0, 0 आ गए, बोलो कोई दिक्कत, नो सर। उसके बाद मैंने एलिमेंट्स ऑफ एरे, मैंने दो एलिमेंट्स शायद उसके अंदर फिर और इंसर्ट किए थे, 35 इंसर्ट किया था सेकंड पोजीशन पे और फिफ्थ पोजीशन मैंने 65 इंसर्ट किया था, तो 35, 65 भी आ गया, बोलो कोई दिक्कत,
नो सर। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने एरे को रिवर्स किया था, तो ये देखो रिवर्स भी हो गई, ठीक है। उसके बाद हमने 40 सर्च किया था, तो एलिमेंट 40 इज प्रेजेंट एट सेकंड पोजीशन, ठीक है। अगर ये फर्स्ट पोजीशन है तो ये सेकंड पोजीशन है। फिर मैंने 90 सर्च किया था, तो एलिमेंट 90 डू नॉट एग्जिस्ट इन एरे। ग्रेट। कोई दिक्कत सर? लेकिन एक बार अगर एरे में चेंज करेंगे तो परमानेंट एरे में हो जाएगा ना चेंज? हाँ बिल्कुल, आपका कॉल बाय रेफरेंस है तो आप एक्चुअल एरे में ही तो चेंजेस कर रहे हो। सर ये जब हमने डिलीट करे तो 0-0 हो गए थे। फिर मैंने इंसर्ट फंक्शन दोबारा कॉल किया था, सेकंड पोर्शन पे मैंने 35 इंसर्ट किया, देखो सर ऊपर आते हैं। 40 तो इंसर्ट नहीं करा था, 40 भी की, 40 तो पहले से था एरे के अंदर। 10 ऊपर वाली में हमने डिलीट कर दिया, तो नीचे वाले में डिलीट नहीं होना चाहिए था अपने आप? डिलीट तो मैंने इस फंक्शन को देखो यार, मैंने डिलीट फंक्शन के बाद दोबारा डिस्प्ले किया, देखो कैसे काम कर रहा है। ये जो एरे है मैंने किया 10 20 30 40 50, डिस्प्ले एरे किया, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, यहाँ पे 10 प्रिंट हो गया, 20 30 40 50 प्रिंट हो गया। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। फिर मैंने डिलीट वाला फंक्शन कॉल किया, फिफ्थ पोजीशन वाला एलिमेंट डिलीट हुआ, तो क्या हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 0 हो गया। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। फिर मैंने सेकंड वाला एलिमेंट डिलीट किया, तो सेकंड वाला एलिमेंट डिलीट किया तो क्या हो, सेकंड पोजीशन वाला, तो क्या आ गया, 10 आ गया, फिर 30, ये वाला डिलीट किया, उधर शिफ्ट कर दिया, इसको डिलीट करूंगा, 30 यहाँ पे आ जाएगा, 40 यहाँ पे आ जाएगा। यस सर। ये हो गया, ठीक है, तो वही अभी मेरा आउटपुट वही आया है। फिर मैंने डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया, डिस्प्ले में यही आउटपुट आएगा। उसके बाद देखो मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, सेकंड पोजीशन पे मैंने 35 इंसर्ट किया, तो जब मैंने सेकंड पोजीशन पे 35 इंसर्ट किया तो मेरी एरे क्या बन गई, बोलो, 10 35 30 40 और 0। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। फिर मैंने फिफ्थ पोजीशन पे इंसर्ट किया 65, तो मेरी एरे बन गई 10 के बाद 35, फिर 30, फिर 40, फिर 65, ठीक है। यस सर। इसके बाद मैंने उसको डिस्प्ले कर दिया, रिवर्स कर रहा हूँ, एरे को रिवर्स किया, रिवर्स करने के बाद मेरी एरे यहाँ पे आ गई 65, 40, 30, 35, 10, तो वही तो हो रहा है। मेरी एरे चेंज हो गई है। अब मैं 40 सर्च कर रहा हूँ, सर्च 40, तो 40 कोई मेरी फोर्थ पोजीशन पे थोड़ी ना आया है, सेकंड कौन सी पोजीशन पे आया है, सेकंड पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे आ गया 40। बताओ डाउट कहाँ आ रहा है? नहीं वो डाउट नहीं, तो मैं सर इंसर्ट नहीं, मैं कॉपी रिप्लेस कर रहा था इंसर्ट थर्ड वाले में। अच्छा, तो एग्जिस्ट नहीं करती, डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है? यस सर। अब एक काम कर लो यार, मेरे लिए तुम एक सॉर्टिंग वाला फंक्शन इंप्लीमेंट कर दो, मेरे को एरे को सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो उसका प्रोटोटाइप क्या होगा, वॉइड सॉर्ट एरे लेंगे, एरे और क्या पास करेंगे, सिंपल एरे को पास करेंगे, और तो कुछ नहीं चाहिए मेरे को। यस सर। प्लीज गाइज ये तुम करो यार एक बार, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एरे लूप चला देंगे उसमें, फिर हर एलिमेंट को चेक करेंगे। करो लिखो अपनी कॉपी में sort underscore array, ठीक है, सिंपल आपने एरे पास करी उसके अंदर, करो कोड। हर एक एलिमेंट को तुम्हें कंपेयर करना पड़ेगा बाकी सब एलिमेंट से। लॉजिक बताता हूं, पहले लॉजिक देखो क्या होगा इसका। एक मिनट, थोड़ा सा इसको टाइम लगता है।
मान लो मेरी एरे है ये, फाइव वन एट नाइन टेन, ठीक है, तो मेरे को सारे एलिमेंट को ट्रेवर्स करना पड़ेगा, सारे एलिमेंट को ट्रेवर्स करूंगा तो इसमें दो लूप लगेगी। आउटर लूप जो लगेगी वो लगेगी मेरे पूरी एलिमेंट को ट्रेवर्स करने में, मतलब आई इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन मैक्स और आई प्लस प्लस, तो मैं एरे को ट्रेवर्स करूंगा। पर इस लूप के अंदर जब मैं ट्रेवर्स करूंगा तो अब तुम देखो मेरे को इस एलिमेंट को इसके साथ कंपेयर करना है, ठीक है, और अगर कंपेयर करूंगा, अगर ये एलिमेंट जो है छोटा होगा इससे तो बेसिकली स्वैप हो जाएगा, यहां पे फाइव आ जाएगा यहां पे वन आ जाएगा, ठीक है। फिर दोबारा मैं लूप चलाऊंगा तो ये बाहर वाली जो लूप है ये मेरी चल रही है नंबर ऑफ पासिस के लिए, जितनी मेरी कितनी बार चलेगी, एक दो तीन चार पांच बार मेरी लूप चलेगी, और इनसाइड दिस लूप हर एक पासर जो हर बार वो करेगा सबसे। हाँ, तो अब मैं इसके अंदर जो लूप बनाऊंगा, मान लो मैंने लूप चलाई फॉर, एक मैंने वेरिएबल लिया j और j इज इक्वल टू मैं लूंगा i प्लस वन, बिकॉज मेरे को फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करना है, और j लेस देन मैक्स और j प्लस प्लस। अब इस लूप के अंदर क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा इफ एरे ऑफ i जो है अगर बड़ा है एरे ऑफ, ठीक है, तो मैं उन नंबर को स्वैप कर दूंगा। स्वैप कैसे करते हैं तुम्हें पता ही है, स्वैप कैसे होता है, टेम्पररी एक वेरिएबल लिया, टेम्प इज इक्वल टू ए ऑफ आई कर देंगे, ठीक है, और फिर ए ऑफ आई इज इक्वल टू कर दूंगा ए ऑफ जे, और फिर ए ऑफ जे इज इक्वल टू कर दूंगा टेम्प, ठीक है। तो टेम्प के अंदर मान लो स्टोर हो गया पहले बड़ा वाला नंबर जो फाइव था, और a of i is equal to a of j, j की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो a of 0 के अंदर आपका क्या इंसर्ट हो गया, 1 इंसर्ट हो गया, और a of 1 के अंदर आपका क्या आ गया, 5 आ गया, जो भी था एलिमेंट जो भी था 5 आ गया। इसके बाद तुम j को फिर करोगे इंक्रीमेंट, j की वैल्यू हो गई आपकी कितनी हो गई, 2, j की वैल्यू 2 हो गई, 2 less than 5 कंडीशन ट्रू। अब तुम दोबारा से जो तुम्हारा एलिमेंट स्वैप हुआ है उसको फिर कंपेयर करोगे नेक्स्ट वाले एलिमेंट से। देखो तो ये लूप बेसिकली इसका लॉजिक क्या हुआ, जब फर्स्ट टाइम तुम चला रहे हो तो तुम इसके एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हो, तो ये ऑब्वियसली बड़ा है ये छोटा है, तो यहाँ पे वन आ गया यहाँ पे फाइव आ गया, नंबर स्वैप हो गया। फिर जब ये इनर वाली लूप है ये क्या कर रही है, अब तुम इस एलिमेंट को किससे कंपेयर करने जा रहे हो, इससे कंपेयर करने जा रहे हो, जे की वैल्यू 2 हो गई, अब ये है, अब ये एलिमेंट छोटा है तो ये यहीं का यहीं रहेगा, कोई मूवमेंट नहीं होगी, आगे वाले सारे से कंपेयर करेंगे, फिर आगे वाले से सबसे कंपेयर करेगा तो ये यहीं पे रहा। तो फर्स्ट पास के बाद जो तुम्हारी एरे है वो बन गई 1 5 8 9 10, ये तो इनफैक्ट एलिमेंट ही ऐसे था कि ऑलरेडी सॉर्टेड ही है, पर मान लो अगर यहाँ पे वैल्यू होती सपोज 0 होती, अगर यहाँ पे वैल्यू 0 होती और यहाँ पे वैल्यू मान लो -4 होती और यहाँ पे वैल्यू होती आपकी मान लो 6, तो क्या होता, फिर जब दोबारा तुम कंपेयर कर रहे हो इसको इससे, तो आपका यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। फिर तुम इसको इससे कंपेयर करोगे कोई स्वैप नहीं होगा, इसको इससे कंपेयर करोगे कोई भी स्वैप नहीं होगा, तो आफ्टर फर्स्ट पास जो तुम्हारी एरे निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 0 5 1 4 6। अब तुम नेक्स्ट पास में क्या करोगे, आई की वैल्यू को इंक्रीज किया, आई की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है, 1 लेस देन 5 हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई, मैं नीचे आया, j की वैल्यू 2 हो गई, 2 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू। अब तुम इस एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हो इससे, फिर वही इसके लिए पूरा प्रोसेस चलेगा, यहां पे 1 आ जाएगा, यहां पे 5 आ जाएगा, फिर 1 इससे 4 नहीं स्वैप होगा, 1 6 नहीं स्वैप होगा, तो सेकेंड पास के बाद जो तुम्हारी एरे बचेगी वो बचेगी 0 1 5 4 और 6। अगले पास में आई यहाँ पे पॉइंट करेगा और जे पॉइंट करेगा यहाँ पे, फिर इसका कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आउटर वाली लूप ली है नंबर ऑफ पासेस के लिए कि कितने पास चलेंगे, और इनर वाली लूप है हर पास में वो कंपैरिजन कर रहा है, स्वैप कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है, स्वैप कर रहा है, तो ये लॉजिक हमें यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है। तो
तो हमने क्या किया, हमने दो वेरिएबल लिए, एक लिया आई और एक लिया मान लो एम्प ले लिया, ठीक है। पहली वाली आउटर लूप जो मैंने चलाई वो मैंने चलाई कि जितनी मेरे एरे के अंदर एलिमेंट्स हैं आई लेस देन मैक्स आई प्लस प्लस, ठीक है। इनर वाली जो लूप चलेगी, ये लूप चलेगी बेसिकली मेरे पासेस के लिए, मतलब यहां पे मैं लूप लगाऊंगा फॉर जे इज इक्वल टू आई प्लस वन जे लेस देन मैक्स जे प्लस प्लस, और ये लूप क्या कर रही है, यहां पे मैं चेक कर रहा हूं दैट इफ ए ऑफ आई, इफ ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन ए आएगा या एरे लिया मैंने, सॉरी एरे लिया है तो इट इज ए आर आर ऑफ आई ग्रेटर देन ए आर आर ऑफ जे, अगर है तो क्या करो नंबर्स को स्वैप कर दो। तो टेम्प इज इक्वल टू ए आर आर आई, ए आर आर आई इज इक्वल टू ए आर आर जे एंड ए आर आर जे इज इक्वल टू टेम्प। अच्छा भाई साहब यहाँ पे एरर क्यों आ रही है, अच्छा एक वेरिएबल जी भी लेना पड़ेगा हमें, ठीक है आई टेम्प और एक जे जे। तो आउटर लूप चली, पहले एलिमेंट को कंपेयर किया जे की वैल्यू वन हो गई, एरे जीरो को कंपेयर कर रहा है एरे वन के साथ, अगर बड़ा होगा तो उसको स्वैप कर देगा, जे की वैल्यू इंक्रीज होगी, जे की वैल्यू आ जाएगी आपकी बेसिकली फिर टू आ जाएगी, फिर एरे जीरो को कंपेयर करेगा टू से, अगर वो छोटा होगा तो स्वैप हो जाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। तो इसमें तुमने देखा कि फर्स्ट पास के बाद हो क्या रहा है, एनीवन कैन टेल मी फर्स्ट पास के बाद जो सबसे छोटा एलिमेंट है आपका वो एरे का कौन सा एलिमेंट बन जा रहा है, फर्स्ट एलिमेंट। सेकंड पास के बाद जो सेकंड सबसे छोटा एलिमेंट है वो होती जा रही है हर स्टेप पे स्टेप, सेकंड एलिमेंट स्वैप हो रही है सर, वो बेसिकली इस तरीके से ही आपका काम कर रहा है। तो अब मेरे को लगता है रन हो जाना चाहिए, इसके बाद में क्या अगर 100 एलिमेंट सॉर्ट करने के लिए तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें, तो हाँ तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर जाती है ना, फिर हमें बाइनरी सर्च लेना पड़ता है, बाइनरी सर्च में हम एरे को तोड़ते हैं मिड पॉइंट निकालते हैं, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी log n आती है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर क्यों है, ये आउटर वाली लूप कितने टाइम चल रही है कोई मेरे को बताएगा, ये बाहर वाली लूप कितने टाइम चल रही है, मान लो मेरे एरे के अंदर अगर 10 एलिमेंट्स हैं तो ये आउटर वाली लूप कितने टाइम चल रही है, 10 टाइम चल रही है, 10 टाइम चल रही है। इनर वाली लूप कितने टाइम चल रही है, 10 टाइम चल रही है, तो टोटल जो मेरा लूप है वो कितने टाइम चल रहा है, 10 into 10 100 टाइम चल रहा है, ठीक है। आई की वैल्यू 0 के लिए 10 टाइम चल रही है, 1 के लिए 10 टाइम, टोटल 100 टाइम, 100 कंपैरिजंस हो रहे हैं बेसिकली। तो इट इज कॉम्प्लेक्सिटी इज n स्क्वायर जो कि स्लो है, ठीक है। तो इसको हमें तोड़ना पड़ता है, तो कॉम्प्लेक्सिटी जो आपकी होती है, इसलिए हम जब भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम बनाते हैं जो टेस्ट केसेस होते हैं तो हम कभी भी बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट या इंसर्शन सॉर्ट से हम कभी नहीं करते सॉर्टिंग, बिकॉज इनकी कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर होती है। हम वहां पे लगाते हैं या तो मर्ज सॉर्ट या हीप सॉर्ट या क्विक सॉर्ट, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, जब रिकर्शन कराऊंगा उसके बाद क्विक सॉर्ट मर्ज सॉर्ट करवाऊंगा, अभी नहीं। ऐसी सर्चिंग में तुमने देखा हमने लीनियर सर्च यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था, तो ये लूप कितनी बार चल रही है, अगर मेरे एरे के अंदर 10 एलिमेंट है, वर्स्ट केस अगर मेरा एलिमेंट बिल्कुल लास्ट में एग्जिस्ट करता है या एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या ये लूप 10 टाइम नहीं चलेगा, यस सर। तो अगर मेरे एरे के अंदर n एलिमेंट है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ n, काफी स्लो। तो हमारा बाइनरी सर्च आता है, हम कभी भी सर्चिंग करते हैं तो बाइनरी सर्च से करते हैं, एरे को तोड़ते जाते हैं मिड से, जब रिकर्शन कराऊंगा उसके बाद वो कराऊंगा। तो अब एक बार इसको कंपाइल कर लेते हैं, तो मतलब मेरी सॉर्टिंग हो गई, तो यहाँ पे मैंने सॉर्ट फंक्शन कॉल भी नहीं किया है अभी तक, मैं सॉर्ट फंक्शन को एक बार कॉल करके देख लेता हूँ। यहाँ पे मैंने सॉर्ट फंक्शन कॉल किया, सॉर्ट अंडरस्कोर एरे,
और मैंने अपनी एरे पास करा दी, एरे का नाम क्या है, ए आर आर। इसके बाद एलिमेंट्स डिस्प्ले करा लेते हैं, यही वाला कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, सेव कर लेते हैं, कंपाइल कर लेते हैं। चल जाए भाई, चल भी रहा है, क्या हो गया इसको? वेट कर रहा हूं, देखता हूं आ जाए। दोबारा करना पड़ेगा, सेव किया, फिर से रन करके देखते हैं। हो गया भाई कंपाइल तो हो गया, ही एक्स जनरेट हो गई, ठीक है। हम सॉर्टिंग वाले पे आते हैं, ये देखो सॉर्ट फंक्शन कॉल किया था, उसके बाद एलिमेंट सॉर्टेड में आ गए, नहीं आ गए? यस सर, हो गया। यस सर, ठीक है। तो इसको कोड जरूर करना यार, ठीक है, एक बार प्रैक्टिस जरूर करना, बिकॉज ऐसे लिख के देखते हैं तो समझ में आ जाएगी चीजें, पर जब खुद से कोड करोगे ना तो नहीं आएंगी, तो कोडिंग करनी पड़ेगी और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ओके, तो अगर कोई नोट करना चाहता है तो वो नोट कर सकता है, और किसी को नहीं करना तो आप जा सकते हो आज की छुट्टी। बाय सर, टाटा बाय बाय। और अगर किसी को नोट करना है तो, बाय सर, नोट करना है तो मैं सॉर्टिंग वाला फंक्शन एक बार दिखा देता हूँ, ये रहा सॉर्ट वाला फंक्शन, नोट कर लो। अच्छा, एक टास्क तो करोगे कल तक? यस सर। मेरे को दो एरेज को मर्ज करना है। यस सर। और कोई भी रैंडम साइज की एरे लेनी है, एरे की साइज फिक्स नहीं है, बिकॉज मैं चाहता हूँ सारे टेस्ट केसेस हैंडल करो, सेम साइज हो तब भी काम करना चाहिए, एरे की साइज डिफरेंट हो तब भी करना चाहिए, और सारे के सारे एलिमेंट सॉर्टेड पोजिशन में आने चाहिए। कोई भी रैंडम एरे है, एक मान लो एक दूसरी कोई भी रैंडम एरे, पहले तो दोनों एरे इसको सॉर्ट करना और उसके बाद इंसर्शन करना। सर थर्ड एरे में डाल देंगे सॉर्ट करके, तीनों टेंपरेरी एक बना के। करो 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 करो, करना मतलब कल तक करके देखता हूँ, मैं देखता हूँ कौन करेगा, स्क्रीन शेयर करवा लूंगा कल, देखता हूँ कौन करता है। ओके सर, ठीक है, चलो फिर, बाय गाइस। बाय सर।